एंड वेलकम एवरीबॉडी बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। नाउ दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, बस आप इसको बहुत ध्यान से सुनना एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल दैट हाउ दिस सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट वर्क्स। बेसिकली अगर आप बहुत नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर, ठीक है। अब एक फलाना कोई सप्लायर है, मान लीजिए कि ABC नाम है सप्लायर का, वो सप्लायर है। अब मुझे कोई सामान चाहिए, ठीक है, अपने कंपनी के लिए मुझे सामान चाहिए, पर मुझे कैश में वो सामान नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं गई हूँ सप्लायर के पास, ABC जो सप्लायर है जो मुझे गुड सप्लाई करेगा, मैं उसके पास गई। अब मैं उसको क्या बोलूंगी कि आप मुझे सामान दे दो बट आप क्रेडिट पे दो, मैं कैश पे नहीं करूंगी तुरंत। यू विल गिव दैट गुड टू मी ऑन क्रेडिट, हायर पे देना, क्रेडिट पे देना, उधार पे देना, ठीक है। जब ये वाला अरेंजमेंट होता है क्रेडिट पे सामान लेना देना, ये बेसिक, जब सप्लायर हमें क्रेडिट पे सामान देता है, ये बेसिकली अरेंजमेंट हो गया हमारा सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट। अब क्या ये बहुत आसान है कि बस हम जाएंगे किसी सप्लायर के पास, ABC सप्लायर के पास मैं गई, मैंने उसको बोला कि आप मुझे क्रेडिट पे सामान दे दो, क्या वो ऐसे ही दे देगा? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। ये बेसिकली अगर आप डेफिनेशन के लिए मानना चाहें तो ये हो सकता है कि इट इज बेसिकली अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है जिसमें सप्लायर क्या करता है, वो बायर को या कंपनी को गुड्स बेचता है ऑन अ क्रेडिट बेसिस। मतलब हमें एज अ बायर, एज अ कंपनी, मुझे तुरंत उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में क्या कर सकती हूँ, उसकी पेमेंट कर सकती हूँ। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। अब ये काम कैसे करता है? सो द फर्स्ट प्रोसेस इज दैट कंपनी क्या करती है, अप्लाई करती है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब मैं कंपनी हूँ, मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाऊँगी, किसी लेंडर के पास, फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह के पास मैं जाऊँगी और मैं उनसे बोलूँगी कि आप मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जाऊँगी। मैं वहीं ना जाके सप्लायर को दिखाऊँगी कि उसके बेसिस पे वो मुझे सामान देगा ऑन क्रेडिट। तो अब मैं किसी फाइनेंशियल उसके पास गई, सिस्टम के पास, बैंक के पास गई। अब बैंक क्या करेगा, फाइनेंसिंग वो क्या करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करेगा। वो देखेगा कि क्या मैं उस लायक हूँ कि मुझे क्रेडिट पे सामान दे दिया जाए, क्या मैं इतनी ट्रस्ट वर्दी हूँ कि मुझे कोई सामान क्रेडिट पे दे सके। तो वो लेंडर, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करेगा। अब क्या करेंगे, अब वो क्रेडिट वर्दीनेस हम सप्लायर को, जो ABC हमारे सप्लायर थे, वो क्रेडिट वर्दीनेस की लिमिट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सप्लायर को क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा। सप्लायर को पता चल गया कि अच्छा, जो ये बंदा मेरे पास सामान लेने के लिए आ रहा है, ये कितना ट्रस्टवर्दी है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, क्या अगर मैं सामान इसको हायर पे दूंगा तो क्या ये मतलब ये भाग तो नहीं जाएगा, ये मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब पैसे ना दे और से सामान लेके चला जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो सप्लायर को नोटिफाई कर देगा। अब मैं एज अ बायर जाऊंगी सप्लायर के पास, ठीक है, कि मुझे सामान दे दो, पर मैं तुरंत पेमेंट नहीं करूंगी, मैं ऑन क्रेडिट पेमेंट करूंगी। अब वो सामान पैक करेगा, अब उसके पास तो, मेरे पास तो दोनों ऑप्शन है ना, या तो मैं तुरंत पेमेंट कर लूँ किसी सामान का, या तो मैं अपना जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो मुझे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया है मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करके, मैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करूँगी, सप्लायर को प्रेजेंट कर दूंगी कि ठीक है, ये मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट है, आप इतने लिमिट के अकॉर्डिंग मुझे क्या कर सकते हो, सामान को बेच सकते हो। अब वो क्या करेगा, अब वो उस क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग मुझे उतने गुड्स क्या करेगा, सप्लाई कर देगा विदाउट टेकिंग एनी मनी, क्योंकि वो क्रेडिट बेसिस के ऊपर है, ठीक है। अब सप्लायर तो सेटिस्फाई हो गया, उसने मुझे सामान दे दिया ऑन अ क्रेडिट बेसिस। अब जब वो हमारी अग्रीमेंट की डेट पूरी हो जाएगी कि इस डेट तक मैं उसको सारा पैसा दे दूंगी, वो हम लोग एज अ अग्रीमेंट साइन कर लेंगे। ये बेसिकली इस तरीके से हमारा पूरा सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट काम करता है इन नटशेल। बस आप ये समझिए कि मुझे किसी सिस्टर के सामान खरीदना है, मैं गई उसके पास, लेकिन उसके लिए मुझे उसको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ेगा, तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गई, किसी बैंक वगैरह में, उन्होंने मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस किया और वो लेटर ऑफ क्रेडिट मैं क्या करूंगी, वो सप्लायर मुझे देगा कि ठीक है, आप इतनी लिमिट तक क्या कर सकती हैं, सामान उधार पर ऑन क्रेडिट ले सकती हैं। नाउ वी विल लुक एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट। Now, talking about the advantages of the supplier's line of credit.
सो द फर्स्ट एडवांटेज इज इम्प्रूव्ड कैश फ्लो. जो बायर का मतलब मेरी कंपनी का, मैं बायर हूँ, मेरा क्या होगा, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे मेरे कंपनी में वर्किंग कैपिटल की नीड अब बहुत ज्यादा, मतलब उसकी बंदिश नहीं होगी. मैं आराम से अपना काम क्या कर सकती हूँ, उससे हायर में मैं सामान खरीद सकती हूँ, और तब तक मैं अपना सारा काम करके जब पेमेंट आ जाए तो वो मैं पेमेंट क्या कर सकती हूँ, दे सकती हूँ. मेरा कैश फ्लो जो है, पैसे का आना जाना कम से कम रुकेगा नहीं, इस सिर्फ सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट के एडवांटेज की वजह से. सेकेंड इज द इंक्रीज परचेजिंग पावर. अब जब पैसे की कोई तंगी नहीं है, मैं उसे क्रेडिट पे जाके सामान खरीद सकती हूँ, तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. मैं उससे गुड बिना टेंशन के आराम से खरीद सकती हूँ. मुझे पता है कि मैं बाद में क्या कर सकती हूँ, उसको पेमेंट कर सकती हूँ उसकी. थर्ड इज द स्ट्रॉन्गर सप्लायर रिलेशनशिप. अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रस्ट वर्दीनेस बनी रहेगी. अब सप्लायर ने तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम ने क्या किया है, उसको बहुत मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट क्रेडिट दिया है कि मतलब मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है. मैं अगर वो मुझे हायर पे सामान देगा तो मैं उसका कैश पेमेंट, उसका किसी भी तरीके से पेमेंट मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. तो ये एक सप्लायर और बायर के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होगा. नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब किससे, कॉम्पिटिटर से. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट है, मैं सामान को हायर पे परचेज कर सकती हूँ, पर मान लीजिए कि मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास वो नहीं है, उनके पास लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं है, क्या वो उतना सामान परचेज कर पाएंगे जितना मैं कर पाऊंगी मेरे लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस के ऊपर. तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया मेरे लिए. उसके बाद सिंप्लीफाइड फाइनेंसिंग. सिंप्लीफाइड फाइनेंसिंग मतलब एज अ बायर मैं एक ही सप्लायर के साथ अपने जितने भी क्रेडिट टर्म्स हैं वो क्या कर सकती हूँ, इनिशिएट कर सकती हूँ. मुझे यहाँ वहाँ चार जगह भागने की जरूरत नहीं है. मेरी फाइनेंसिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगी. दीज वर बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ द सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट. नाउ लेट्स लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट. सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द इंटरेस्ट एंड फीस. अब मैं एज अ बायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक इंटरमीडियरी, इसके पास जाऊंगी कि आप मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करके मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट बनाओ, तो क्या वो फ्री में कर देगा, नहीं करेगा. मुझे उसके लिए नॉर्मल अमाउंट ऑफ फीस या इंटरेस्ट मुझे वो चार्ज करेगा, मुझे वो देना पड़ेगा. तो ये एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए, ठीक है. सेकेंड इज द रिडक्शन इन द कैश डिस्काउंट्स. मान लीजिए कि सप्लायर जो ABC था सप्लायर, उसने बहुत सारे कैश डिस्काउंट्स रखे थे कि मतलब अगर मैं जल्दी पेमेंट करूँ किसी भी प्रोडक्ट की तो मतलब मुझे डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन अब मेरे पास लेटर ऑफ क्रेडिट है, मैंने आराम से हायर में अपना क्रेडिट पे सामान खरीदा हुआ है, तो क्या होगा, क्या मुझे वो कैश डिस्काउंट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. थर्ड इज द लिमिटेड क्रेडिट. अब लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से एक क्रेडिट लिमिट असाइन हो गई है, उससे ज्यादा सप्लायर भी मुझे क्रेडिट पे सामान नहीं देगा, तो मेरा क्या हो गया, एक जो एक दायरा है वो थोड़ा सा घट गया, ठीक है, बंद गया. तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ द सप्लायर्स लेटर ऑफ क्रेडिट. नेक्स्ट इज द सप्लायर्स कंट्रोल. ऑब्वियस ही बात है कि सप्लायर का क्या रहता है इसके ऊपर, पूरा वो मुझे क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट, वो मुझे सामान क्रेडिट पे दे रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा कंट्रोल किसका है, उसका है पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर. सो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज अ डिपेंडेंसी. जो मेरी एज अ बायर लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही एक तरीके से, मेरी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं क्रेडिट के, मेरा उसके ऊपर हो सकता है कि फोकस कम जाए. सो मतलब मुझे बाकी भी तो फाइनेंसिंग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. अगर मैं लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर ही डिपेंडेंट रही तो एक तरीके से डिपेंडेंसी हो जाती है, विच एक्ट्स एज अ डिसएडवांटेज फ्रॉम द सप्लायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, so this was basically the whole point of supplier's line of credit. And in the conclusion, we can say कि ये एक बहुत ही अच्छा financing agreement है जो supplier और buyer के बीच में sign होता है. And कभी भी इसको साइन करते वक्त ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए. कॉस्ट एंड बेनिफिट का पूरा क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए. फिर हमें सप्लायर साइन ऑफ क्रेडिट की तरफ क्या करना चाहिए, किसी भी फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना चाहिए आफ्टर प्रॉपर एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ द सप्लायर साइन ऑफ क्रेडिट. एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर टॉपिक. एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.